नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले साल 2024 में सबसे बड़ा यानी लोकसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही सपना देख चुके हैं पीएम पद के लिए। और आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने साल 2024 में बहुत सारी सियासी अड़चनें आने वाली हैं और सारी विपक्ष एक तरफ है, सामने केवल भाजपा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका दल भाजपा है। विपक्षी एकजुटता में लगी हुई है जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं और विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। तो देखिए, साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और कितनी सारी अड़चनें आने वाली है, और वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता का मोर्चा संभाल कर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें सारे विपक्षी दलों का सपोर्ट मिलेगा? क्या साल 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मोर्चा खोल करके बैठे हुए, उसमें वो कामयाब होंगे? भले ही लोकसभा चुनाव होने में अभी एक साल का समय बचा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दल अभी से ही सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार विपक्ष के नेता किनकी अगुवाई में 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्ष के तर्कस में कौन सा तीर है? विपक्षी दलों में कई चेहरे ऐसे हैं जिनका नाम पीएम पद के लिए चर्चाओं में है। इनमें से सबसे बड़ा नाम है बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तब से उनका नाम पीएम पद के लिए चर्चाओं में है। हालांकि नीतीश कुमार कई बार इस बात को नकार चुके हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी मंशा पीएम बनने की नहीं है, सभी विपक्ष दल एक बैनर तले आ जाए उनकी यही चाहत है। महागठबंधन से सबसे बड़े घटक दल यानी आरजेडी के नेता भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो, बिहार की कमान तेजस्वी को सौंप दे। तेजस्वी यादव के नाम पर जदयू में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी को कमान सौंपने के बाद पर उपेंद्र कुशवाहा ने लंबी बगावत के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने कई एक अपनी नई पार्टी बना ली। ऐसे में महागठबंधन में शामिल दलों में भी तेजस्वी के नाम पर एकजुटता नहीं दिखा। बीते दिन भाकपा माले के अधिवेशन में विपक्षी दलों का जुटान हुआ था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल थे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा था कि 2024 की रणनीति को लेकर अब कांग्रेस को फैसला लेना हो। अगर कांग्रेस तैयार हो जाती है तो भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 100 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। मौजूदा समीकरण में विपक्षी दलों में एकता नहीं दिख रही। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। दिल्ली समर्थकों की चाह है कि दिल्ली की कुर्सी पर इनके नेताओं का दबदबा हो। तो देखिए, जितनी पार्टी उतने पीएम के चेहरे, और सारे पार्टियों के जो समर्थक है वो अपने ही नेता को पीएम पद पर बैठना देखना चाहता है, पीएम की कुर्सी पर बैठे देखना चाहता है। तो आखिर साल 2024 की ये जो चुनाव है और ये जो बड़ा जंग है, इसमें किसकी जीत होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता का मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की सुप्रीमो यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उधर कर्नाटक में केसीआर अपने ही विपक्षी एकजुटता में लगे हुए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी अलग ही प्लान बना लिया है। तो अब साल 2024 के चुनाव में क्या होगा, ये तो साल 2024 ही बताएगी। इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।